नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द साची। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले आए 47.66 लाख करोड़ के इस अंतरिम बजट में क्या खास है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बजट के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% का खर्च होगा। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला है एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति के अंदर आते हैं। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत कोच में भी बदले जाएंगे और 10 साल में 149 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उड़ान स्कीम को और भी ज़्यादा विस्तारित किया जाएगा। क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट था तो इसमें कोई मेन फीचर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन आगे का एक डायरेक्शन रोड मैप बताया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में उन्होंने, सरकार ने फिजिकल डेफिसिट को पूरी तरह से कंट्रोल किया है। जो टारगेट था उससे भी अच्छा कंट्रोल किया है। जैसे 24 फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने फिजिकल डेफिसिट 5.8 रखा हुआ है, 25 के लिए 5.1 है, 26 के लिए 4.5% ऑफ GDP है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फिगर है। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख करोड़ का एक अलग से बजट रखा हुआ है, जो रिसर्च में काम आएगा किसके, प्राइवेट कंपनी के लिए। उसमें इंटरेस्ट रेट, फ्री इंटरेस्ट पे वो प्राइवेट कंपनीज को पैसा देगी और वो उनमें रिसर्च के लिए यूज होगा, वो भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तीसरा, आयुष्मान योजना को उन्होंने बढ़ाया है, आशा वर्कर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए उन्होंने बढ़ाया है। चौथा, उन्होंने स्पेशल रेलवे कॉरिडोर बनाया है 3। पहला की जिसमें से एनर्जी, सीमेंट्स, मिनरल्स के लिए है। एक कॉरिडोर है आपका जो जहाँ हैवी ट्रैफिक से बचाने के लिए है। तीसरा कॉरिडोर वो पोर्ट को से कनेक्ट किया है। इस तरह इन चीज़ों से एक डेवलपमेंट होगा। 40,000 जो बोगियाँ ट्रेन पे आउटडेटेड हो रही हैं उनकी जगह वंदे भारत में जो बोगियाँ यूज़ हो रही उस तरह की बोगियाँ बनाई जा रही हैं। और मेन जो कंट्रोल है उसका फिजिकल डेफिसिट और GDP है, जिसके कारण पूरा का पूरा डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट दिख रहा है। सर, ये जो हाल के दिनों में जो ये रोजगार को लेकर रहा है, सर रोजगार को लेकर कुछ हुआ है इसमें या नहीं हुआ? नहीं, रोजगार देखिए, रोजगार का जनरेशन तो सेल्फ होता है और कुछ गवर्नमेंट करती है। सेल्फ कैसे होगा, जब आपकी GDP बढ़ेगी, आपका ग्रोथ बढ़ेगा तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो अपने आप रोजगार का सृजन होगा। और आने वाला 5-10 साल इसी लाइन में जा रहा है कि जो उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करके GDP बढ़ा रहे हैं उससे ऑटोमेटिक आपका रोजगार काफी तेजी के साथ ठीक होगा। सर, आनंद महिंद्रा जी ने भी ट्वीट करके इस बजट को बहुत ही सराहा है। नहीं नहीं, ओवरऑल बजट बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो डायरेक्शन दिया है वो एकदम पॉजिटिव है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। हर सेक्टर के लिए पैसा दिया है तो डेवलपमेंट तो होना है, इसलिए बजट वाकई अच्छा। सिर्फ आनंद महेंद्र जी नहीं, जिनसे भी आप पूछेंगे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी बताएंगे कि ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है और इससे देश का काफी डेवलपमेंट होने वाला है। अच्छा सर, एक चीज बता दीजिए, शेयर मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है, GDP अच्छी, फिगर्स अच्छे हैं, टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो शेयर मार्केट निश्चित रूप से आने वाले 5-10 साल बहुत ही अच्छा चलेगा। और अब बात कर लेते हैं हम टूरिज्म की। इसके लिए लक्षद्वीप के विकास में काम होगा, नई सुविधाओं का वहाँ पे निर्माण होगा, साथ ही में टूरिज्म सेक्टर के विकास के लिए ओवरऑल जो ब्याज है वो उस पर मुफ्त लोन दिया जाएगा। वहीं हाउसिंग प्लान के अंतर्गत 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इन सब के अलावा महिलाओं के लिए भी बजट में कुछ बातें गौर करने लायक हैं। इसके अंतर्गत लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। अभी तक 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी स्कीम के लक्ष्य में थी, जिनकी संख्या बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। इस स्कीम की घोषणा प्रधानमंत्री, जो लखपति दीदी योजना है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 में की थी। स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाता है। अभी तक कुल 1 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को ड्रोन की मरम्मत का काम देने पर जोर ज्यादा है, क्योंकि ये तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें काफी फायदा है।
महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर भी विशेष जोर रहेगा। इसके साथ ही मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। रूफटॉप सोलराइजेशन यानी सौर्य ऊर्जा के इस्तेमाल से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालकों के लिए नई स्कीम लाई जाएगी, साथ ही जनसंख्या रोकने के लिए एक कमेटी भी बनेगी। बात रक्षा के क्षेत्र की करें तो रक्षा के क्षेत्र में 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में रक्षा क्षेत्र को 5.94 लाख करोड़ रुपए मिले थे। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है, पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। विषय पर और डिटेल्ड जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट को। देखिए साहब, ऐसा है कि इस बार के टैक्सेशन में देखा जाए तो बहुत सारा मतलब इतना अमेंडमेंट देखने को मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने जो पिछले साल की जो अपनी जो टैक्सेशन की जो लिमिट थी उसी को मेंटेन रखा हुआ है, कोई खास चेंज नहीं किया है। अब ये कॉरपोरेट टैक्स में कुल मिलाकर के इन्होंने 25% लगता था टैक्स, वो 22% उन्होंने कर दिया है। और इनकम ये इंडिविजुअल और बाकी HUF और फर्म्स वगैरह जितनी हैं उनमें टैक्स का स्ट्रक्चर सेम मेंटेन किया हुआ है, कोई ज़्यादा बेनिफिट उन्होंने दिए नहीं है इस तरीके के। और कुछ बताइए। अभी एक इस बार कुछ एक इन्होंने लाया है क्लास इस तरीके का कि पुरानी कोई डिमांड जो है 25,000 रुपये तक की उसको ये बैक कर लेंगे, मतलब ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने दिया है प्रपोजल इस बार के बजट में। वैसे ये इंटरिम बजट है, अपन देखें इलेक्शन के बाद जब उसका फाइनल जब बजट होगा उसमें हमको उम्मीद है कुछ थोड़ा बहुत और चेंजेस आएंगे। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ खास नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि हम विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी आई है, साथ ही सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है, 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है, 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है, ऐसा कहना था वित्त मंत्री का। सरकार की और स्कीम्स की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लोगों को दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी उन्होंने कहा कि काम हो रहा है, 3,000 नए ITI खोले गए हैं, 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित उसके अंदर किया गया है। एशियाई खेलों में भी भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है और 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए उनकी सरकार कानून लेकर आई है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री 4 वर्गों को खास कर ध्यान देते हैं, खासतौर पर उनका ध्यान रहता है उन लोगों पर, वो है गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान। उन्होंने कहा कि 10 सालों के अंदर सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये था हमारा आज का बजट पे एक्सप्लेनर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में इसी तरह का और भी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए शब्दसांची के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।